हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, मैं आज बहुत ही ब्यूटीफुल निक बनाना बताऊंगी जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में है और ये ब्लाउज पर बहुत प्यारा लगता है। तो गाइस, इसके लिए मैंने ये बकरम लिया हुआ है। तो ये गाइस ये पेस्टिंग बकरम है और इसकी लंबाई 12.5 इंच है और चौड़ाई इसकी 10 इंच है। डीपनेस इसकी 11 इंच की चाहिए थी तो मैंने 13 इंच की लंबाई का बकरम लिया है। अब मुझको क्या करना है, इस तरीके से मैं पहले थोड़ा सा मार्क कर लूँगी और इसमें थोड़ा सा मार्क इस तरीके से गोलाई से इस तरीके से मार्क करना है इस तरीके से, और इसमें ये वाली गोलाई भी यहाँ से चलेगी। तो अगर आपकी हैबिट ना हो तो आप कोई प्लेट वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेथड केवल बिगनर्स के लिए है प्लेट वाला। तो मैं इसको इस तरीके से हल्का हल्का ड्रॉ करते हुए इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। अगर इसकी गोलाई ना आपको लेते बने तो आप यहाँ की भी गोलाई को इस तरीके से, ये वाली प्लेट को, मीडियम प्लेट है, कोई बहुत बड़ी प्लेट नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इसमें इसकी गोलाई को यहाँ से पहले मार्क कर लें और फिर बाद में इस तरीके से यहाँ से पर भी मार्क कर सकते हैं गोलाई को। तो ये आइडिया केवल बिगनर्स के लिए है गाइस। अब आप इसको कट करके निकाल दें। तो यहाँ पर आप यहाँ से कट करना स्टार्ट करें, इस तरीके से यहाँ से कट करें। इसके जब मैं यहाँ कॉर्नर पर लाऊंगी तो यही तक के छोड़ देना है और इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर लेना है। को एक कपड़े पर पेस्ट कर देना है। नेक पार्ट को इस तरीके से रेडी कर लिया है। नेक को इस वाले अस्तर पे मैंने पेस्ट कर लिया है और इसको कट करके निकाल देना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। और इसको बीच बीच में भी किस तरीके से कट लगा लेने हैं। इसको अब इस तरीके से स्टिच कर लेना है। गाइस, नेक तैयार हो चुका है और इस वाले ब्लाउज के बैक पार्ट पे इसको स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर सेंटर का निशान लगा दूंगी जिससे गला बीचों बीच आए, और सेंटर का मार्क इसमें भी करना है ब्लाउज पर भी। तो इसमें आप इस तरीके से पिन लगा दें कि गला इधर उधर ना खिसके। तो सबसे पहले मैं बीच की बखिया ही लगा दूंगी जिससे कि ये इधर उधर ना भागे। जब ये बखिया पड़ जाती है तो कट करके निकाल देना है। ध्यान रहे बखिया का कोई भी टाका ना कटे, थोड़ा सा दूर से कट करना है। कॉर्नर पे कट करूंगी तो बहुत ही ध्यान से कट करना है कि कोई भी टाका नहीं कट होना चाहिए। कट लगाने के बाद इसको गले को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से मैंने गला अंदर को फोल्ड कर दिया है। अब इसके ऊपर बखिया चला लेनी है। सो गाइस, माई ब्लाउज नेक हैज बीन रेडी। यू कैन सी गाइस, बहुत ही सिंपल मेथड से मैंने आपको बताया नेक बनाना, और आप इसमें डोरी वगैरह यहाँ पे आप स्टिच कर सकते हैं तो इससे आपका नेक और भी खूबसूरत लगने लगेगा। तो गाइस, वीडियो अगर मेरा अच्छा लगता है तो आपको लाइक करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।